हेलो दोस्तों, दिव्यानीज होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी आलू की रेसिपी, जो बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद होते हैं। चलिए बनाते हैं। आज हम जीरा आलू बना रहे हैं, उसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। और उसी के लिए हमने आलू पहले से बॉईल करके रखे हैं और इसका छिलका निकाल लिया है और इसको हम गोल गोल काटेंगे। इस तरह से हमको इसको गोल गोल काटना है। सारे आलू को मैंने काट लिए हैं। अब हम इसको छौंक लगाएंगे। पैन को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, उसी के अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसी के अंदर मैंने 3 स्पून जितना ऑयल लिया है। मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा हमारा चटक चुका है। अब मैं इसी के अंदर हींग डाल रही हूँ, 1 चुटकी हींग डाली है। उसी के अंदर बारीक कटी हुई लहसुन डाल रही हूँ, 2-1 स्पून जितनी है। इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे, पकाएंगे। उसी के अंदर हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये मैंने 1 हरी मिर्च ली है, उसको मैंने बारीक काट लिया है। और 1 मैंने प्याज ली है, वो भी मैंने बारीक काटी हुई है। प्याज को भी हमको एकदम ब्राउन करना है। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, उसी के अंदर हम मसाले डालेंगे। इधर मैं ले रही हूँ 1/2 स्पून जितना नमक। आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च ली है, वो भी मैं 1/2 स्पून जितनी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची का भी यूज़ किया है, इस वजह से 1 चुटकी जितना गरम मसाला। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब टाइम आ चुका है कि अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट आलू डाल सकते हैं। मसालेदार आलू बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा अमचूर डालेंगे, वो भी मैंने 1/2 स्पून ली है। आप देख सकते हैं एकदम आलू हमारे मसालेदार हो चुके हैं। इसी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अब हरा धनिया, वो भी मैंने बारीक काट के रखा है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से स्लो आंच पे पकाएंगे। ये हमारी एकदम कम मेहनत में बनने वाली जीरा आलू एकदम झटपट रेडी भी हो जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। आप सभी भी इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मसालेदार जीरा आलू की सब्जी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप सभी भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसको गार्निश कर रहे हैं थोड़े से धनिए के साथ और हमारी जीरा आलू बनके रेडी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आप टिफिन में भी ले जाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी भी सब्जी कैसी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई रेसिपी आप जानने के लिए दिव्यानीज होम कुकिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।